समय बाणासुर से कहा है कि ध्वजा को टंगवा देना बुर्ज पे और नित्यदेव जब भास्कर भगवान का प्रकाश हो उसी समय इसे निहारते रहना और बाणासुर जब यह ध्वजा झुक जाएगी उसी समय समझ लेना कि तेरे लड़ भैया तेरे घर में। अब चिंता बैठ गई तो जिस समय बाणासुर उस ध्वजा को लेकर के गया है अपने भवन पे और करता क्या था। अरे नाला जाने समय करी यादव हीरापुर और 101 रुपए का पुरस्कार श्याम वीर सिंह यादव हीरापुर करते हैं। और ये 51 रुपए का पुरस्कार मानो यादव सुनो सुभाष यादव उनकी तरफ से है। जिस समय झंडी को बांधा है पुरुष पे और रात में विश्राम किया है और जब सवेरे जगी के राजा जा रहे तो चौखट के बाहर जाकर कदम है तो पहली रेलगाड़ी मिला पुरस्कार पप्पू सिंह दुधिया उनकी तरफ से है। धन्यवाद। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, चिता मरे हुए को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। कितना बल था बाणासुर की काया में, पर्वत खसाए वृक्ष उखाड़े संसार के सब राजा बलहीन हुए और जब भीतर चिंता बैठी है और चिंता का है कि शिवजी ने जी कह रही है ध्वजा जिस समय झुक जाएगी उसी समय तेरी खुजली को मिटाने वाला तेरे घर में होगा। तो राजा सवेरे जगे सभी रात नींदना सब रात में सोवे और जैसे सवेरे जगे तो सबसे पहली नजर भाई झंडी पे जा के कहूं अब तो ना नवेगी अब तो ना नवेगी कोई घर आए तो ना हो बेचैनी पैदा है। इसीलिए लिखा हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में क्या चिंता सापनी को नहीं था
कोई खाया को जग जाहिन व्यापी है। चिंता अगर भीतर बैठ जाए तो जिंदा शरीर को जला देती है। हेलो, और ये एक से एक रुपए का पुरस्कार नरेश यादव हीरापुर। श्रोता बंधु, महाराज बाणासुर के शरीर में चिंता बैठ गई है। जिस समय सूर निकले सबसे पहले निर्भाई झंडी कैया इधर, वो बाणासुर की जो कन्या पैदा हुई थी वो दिन दिन बढ़ रही है। वो लड़की जब बड़ी हुई तो एक दिन बाणासुर से उनकी घरवाली बोली है, महाराज मेरी एक विनती है तुमसे। कौन सी? तो क्या बात, Yeah।
देखो जेब को हिलो तो सबन ने दो, पेट को हिलो भाई कालीचरण भैया ला। कहा है तो अपनी बेटी को अगर शिक्षा दिलवानी है तो जो संसार के जगत पिता जगत माता है उनसे पढ़वाऊंगा मैं। तो आज उषा को मैया पार्वती के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए किया है। ध्यान रखे सर श्रोता बंधु यहां बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं और माता पिता भी बोले। हेलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार दुम्मा भैया की तरफ से जो गाँव हीरापुर के रहने वाले हैं। देखिए सुनो, बच्चों ने पढ़ा होगा संस्कृत में सूक्ति आई है शायद छठवीं क्लास से आठवीं के बीच में। माता शत्रु पिता बैरी ये न पारोन पाठ का, वो माँ शत्रु है पिता बैरी है जो बच्चे को नहीं पढ़ाते। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, वो भरी समाज में ऐसे शोभा नहीं देते जैसे कहीं हंसों के बीच में एक बगुला बैठा बिना पढ़ा हुआ। हेलो, और ये 100 रुपए का पुरस्कार विनोद यादव गांव हीरापुर, धन्यवाद। और वही पर एक और पढ़ी होगी बच्चों ने, ये शिक्षा के ऊपर बता रहा हूं, जो माता पिता बच्चों को पढ़ाते नहीं है उनके लिए तो ये लिखा है कि माँ शत्रु के समान है पिता पैरी के समान है जो बच्चों को पढ़ाते हैं। और एक जगह और लिखा हुआ है क्या, ये शाम नबी तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। को मैया पार्वती के पास पढ़ने के लिए बैठा था क्या? हेलो, और ये 201 रुपए का पुरस्कार श्रीपाल सिंह यादव हीरापुर की तरफ से है। हेलो, हाँ
की पूरी करो, बहुत परेशान है। ये रुपया दे को रो है।